बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो फिर हमारी एक क्वेश्चन के ऊपर ही है और वो क्वेश्चन है कि हमें फर्म के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, हमें ऑडिट चूज़ करना चाहिए या हमें टैक्स चूज़ करना चाहिए। तो लिहाजा ये जो आज की हमारी वीडियो होगी ये बेसिकली इसी क्वेश्चन के ऊपर होगी और ये काफ़ी एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये बड़ा डिटेल टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फर्म ज्वाइन करने से पहले कम अज़ कम इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बेटा देखो, हमारे पास मेंटोरिंग होती नहीं है और बाज़ूकात हम अपनी नेचर के अगेंस्ट चले जाते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पर चले जाते हैं, हमें रियलिटी नहीं पता होती। तो लिहाजा आज हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते क्या हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके अंदर मसले मसाइल होते हैं, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो बड़ी डिटेल में हम इसको आंसर करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने। साथ में ये छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा पोस्ट रिजल्ट बैच लॉ दोनों और टैक्स का इंशाल्लाह मंडे 13 दिसंबर से जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। 1:30 बजे हमारी पहले एक ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हैं आप उसको, वो होगी और वो फ्री है सबके लिए, लाइव जूम के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे हमें स्टडी कैसे करना चाहिए, आने वाली अटेम्प्ट में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लॉ को पास करने की। ठीक हो गया, ओके, रिमूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात बेटा देखें, हम फर्म के अंदर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ टिप होते हैं, हम सबसे पहले उनको एक सेग्रीगेट कर लेते हैं या कैटेगराइज कर लेते हैं कौन कौन से। नॉर्मली बड़ी फर्म्स के अंदर ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, छोटी फर्म के अंदर कम डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो है वो हर फर्म के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मोटे मोटे नाम हैं वो 3-4 डिपार्टमेंट के आते हैं, ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, इसके अलावा ईआरपी डिपार्टमेंट और इस तरह क्यूसीआर डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये इनका नहीं पता होता ज़्यादा ईआरपी का या क्यूसीआर का, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, खासतौर पे ईआरपी वाला हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे अपनी किसी भी आने वाली वीडियो में, ओके। लेकिन अगर हम जाएँ छोटी फर्म्स में चले जाएँ, मतलब कैटेगरी से नीचे आ जाएँ या क्यूसीआर रेटेड फर्म में आ जाएँ नीचे वाली में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा लंबी चौड़ी सेग्रीगेशन नहीं होती, वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट समझे जाते हैं, मतलब ऑडिट का और उसके अलावा टैक्स एंड एडवाइजरी। टैक्स एंड एडवाइजरी एक डिपार्टमेंट समझा जाता है, ऑडिट एक डिपार्टमेंट समझा जाता है। ठीक हो गया, तो लिहाजा हमारी अगली पूरी जो डिस्कशन है वो मेजरली 2 डिपार्टमेंट को लेके चलेगी, ऑडिट एंड टैक्स को। तो टैक्स में टैक्स एंड एडवाइजरी शामिल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। तो पहला फैक्टर यह है बच्चे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज के फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, मतलब आपका अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या आप जॉब होल्डर बनना चाहते हैं या क्या आप बिजनेस मैन जाना चाहते हैं या आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो है आपकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी से मुराद ये है बेटा कि ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, हर स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन बाज सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की सूरत हाल ऐसी है, हमारे से हमें भी पता है कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं सिचुएशन को कि फाइनेंशियल प्रेशर होता है, क्वालिफिकेशन उनके लिए सेकेंडरी होती है, उनके लिए ब्रेड एंड बटर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी होता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जहन में रखनी होती है, ठीक है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, मतलब आपने जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है। एंड नंबर 2, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइम फोकस है आपका या आपने अर्निंग की तरफ शिफ्ट होना है, ओके। अब हम इन 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना आगे मूव करते हैं ऑडिट एंड टैक्स डिपार्टमेंट में। सबसे पहले हम जाते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट में। देखो बेटा, ऑडिट डिपार्टमेंट आपको किन सूरत में ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 1 बेटा, उस वक्त ज्वाइन करें जब आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है, जो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, उसमें जॉब हो और क्वालिफिकेशन एंड जॉब, ये दोनों होना ज़रूरी है, तब आप ऑडिट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लें। इन केस के अगर क्वालिफिकेशन कहीं पे थोड़ी सी सेकेंडरी हो भी जाती है तो जॉब का स्कोप ऑडिट में अच्छा खासा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई प्रैक्टिस का स्कोप ऑडिट के अंदर, तो बेटा विदाउट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? आपको जब ऑडिटर बनना है तो जस्ट आप, अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि आप फर्म के अंदर 3.5 साल या 4 साल की जो आर्टिकल चिप है वो किसी एक ही डिपार्टमेंट में लगाएं, आपको एक्सटेंसिव पीरियड एक में लगाना होता है और कम अज कम 1.5 साल किसी और डिपार्टमेंट में लगाने होते हैं एज पर आईकैप रूल्स। तो लिहाजा बड़ी फॉर्म में ये फॉलो भी होता है, छोटी फॉर्म में थोड़ा सा ये मिक्स करके फॉलो होता है, फॉलो हर जगह होता है। बहरहाल आपको स्कोप एक्सपोजर जो है वो हर डिपार्टमेंट का मिलता है। अच्छा अब बेटा, अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑडिट डिपार्टमेंट में, ऑडिट में एक्सटेंसिव पीरियड लगाने के बाद आप जो प्राइम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, ना कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं है।
नंबर वन कि अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो बेटा ऑडिट के अंदर आप कंपनीज के इंटरनल ऑडिटर लग सकते हैं या उनके फाइनेंस ऑफिसर वगैरह लग सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, ये चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस की तरफ आएंगे तो आप ऑडिट कर ही नहीं सकते, विदाउट क्वालिफिकेशन आप ऑडिट कर ही नहीं सकते, किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि भैया उसका स्कोप है या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आएँ कि आपने प्रैक्टिस की तरफ जाना है तो भैया फिर क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा लेट्स से कि आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस में भी अगर हम कहें तो ऑडिट का स्कोप लिमिटेड होता है। उसकी रीज़न ये है कि ऑडिट करना किसी सिंगल बंदे का काम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ऑडिट के लिए आपको क्लाइंट चाहिए, आपको एक अच्छी खासी पीआरशिप चाहिए होती है, तो लिहाजा आपको पीआरशिप बनाने में टाइम लगेगा। उसके अलावा ऑडिट की टीम डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपने ट्रेनीज चाहिए होंगे, अपने लोग चाहिए होंगे, तो ये एक अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे डिमांड करता है, एक अच्छा खासी एक टीम डिमांड करता है आपसे, और ये एक फुल टाइम आप किस्म की जॉब ही हो जाती है जब आप प्रैक्टिस में शिफ्ट होते हैं। तो लिहाजा ऑडिट के अंदर जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस का स्कोप लिमिटेड है, क्यों, उनके फैक्टर मैंने आपको लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इसके अलावा डिपार्टमेंट में क्या फायदे होते हैं, तो सीधी सी बात है कि ऑडिट डिपार्टमेंट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा वर्कलोड होता है। अगर हम बात करें तो ऑडिट डेज या रेंट्स के अंदर या सेमी एनुअली जब स्टॉक काउंट वगैरह हो रहा होता है या सेमी एनुअली ऑडिट परफॉर्म हो रहा होता है, रिव्यू वगैरह हो रहे होते हैं, तो वो एक छोटा सा क्या कहते हैं आपके ऊपर स्ट्रेस का पीरियड होता है, नॉर्मली एक रिलैक्स इन्वायरमेंट होता है। दूसरे नंबर पर आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग बड़ी बेहतरीन तरीके से होती है, आप क्लाइंट्स पर जाते हैं, आप एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहां पे जा रहे होते हैं, आपकी टीम वर्क जो है वो डेवलप होता है आपके अंदर, मतलब काफी स्किल्स ऐसी हैं आपके, डिस्कशन स्किल्स वगैरह आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, ये सारी चीजें आप बहरहाल इसके अंदर सीखते हो। वर्क लोड कम होता है, स्ट्रेस कम होती है, और साथ जो हम कहते हैं वो थोड़ी बहुत अय्याशी भी होती है, मतलब घूमना फिरना, क्लाइंट्स पे जाना, आपको डेली मिलना, खाने पीने, ये चीजें जो है वो बहरहाल ऑडिट डिपार्टमेंट की थोड़ी सी लग्जरी है जिसके ऊपर हम सारे जो सीएस स्टूडेंट होते हैं बेसिकली डूल जाते हैं, तो हम इन्हीं के ऊपर ही डूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो ऑडिटर होता है वो खाने पे डूल जाता है भाई, तो लिहाजा ये हमारी सेइंग थी जब फर्म के अंदर हम आर्टिकल कर रहे होते थे, तो भाई यहाँ पे हम जाते थे ना कि खाना जो है वो 1 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, तो कंपनी वाले कहते थे यार ऑडिटर का बाकी तो पता नहीं पर बंदा खाने के मामले में बड़ा सख्त था, तो लिहाजा खाने के मामले में हम बहुत सख्त होते हैं, और माशाल्लाह आपको नज़र भी आ रहा होगा ये ऑडिट डिपार्टमेंट की मेहरबानी है। अच्छा, तो ये बेटा ऑडिट डिपार्टमेंट की कुछ बातें हैं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर जाएँ टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर बेटा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, नंबर वन। नहीं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं इसका स्कोप, जॉब या क्या कहते हैं प्रैक्टिस। तो बेटा अगर हम आपकी एक्सटेंसिव पीरियड टैक्स में लगा है तो उसके बाद जॉब का भी अच्छा खासा एक स्कोप मौजूद होता है, मतलब बहरहाल हर कंपनी को टैक्स कंप्लायंसेस करानी है, उनको अपने एम्प्लॉयज रखने होते हैं, फर्म्स के अंदर भी अच्छी खासी इसकी जॉब आती है, और ये बड़ा टेक्निकल काम है, इसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, नंबर वन तो टैक्स डिपार्टमेंट में। दूसरे, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो बेटा इसके लिए क्वालिफिकेशन सेकेंडरी हो जाती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहरहाल वो आपको साथ साथ कर लेनी चाहिए और वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा उधर आप जो मर्जी आप चांद पे भी चढ़ जाए ना तो रिश्तेदार यही पूछेंगे पुत्र कितना टाइम रह गया जी, खैर फेस करता है पड़ता है, हम भी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्या सूरत हाल है, आप कितना कमा रहे हो नहीं कमा रहे, नहीं पुत्र पेपर कदर निकलना है ये बताओ। तो लिहाजा जॉब को आप उसमें आपकी जॉब का एक अच्छा खासा स्कोप मौजूद है। प्रैक्टिस में मैंने कहा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी सेकेंडरी हो जाती है थोड़ी सी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी कंपनी के टैक्स एडवाइजर कंसल्टेंट बन सकते हो, और उसके लिए नहीं ज़रूरी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप MBA हो, MCOM हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, कोई मैटर नहीं करता उसमें। नंबर टू अगर इसकी बात की जाए तो इसका स्कोप बहुत वाइड है बनिस्बत ऑडिट के। अब वाइड कैसे है, ऑडिट की बात की जाए तो बेटा ज़्यादातर ऑडिट जो है वो कंपनीज़ के ऊपर कंपलसरी है, वही कराते हैं, सोल प्रोप्राइटर बहुत कम कराते हैं, ओपीस बहुत कम कराती हैं, और क्योंकि उनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएं ऑडिट, तो वो खुद भी कर लेते हैं, किसी से करवा भी लेते हैं, तो लिहाजा उसका इतना स्कोप नहीं है जितना कि टैक्स का है। टैक्स का स्कोप क्यों है कि अगर भाई देखें हमारी 20 करोड़ की अन्य आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर हम बात करें टैक्स पेयर, और नहीं तो यार 10 करोड़ तो टैक्स पेयर बनते हैं ना, मतलब टैक्स पेयर होने चाहिए, मतलब 10 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे ना जिनको कम से कम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, और एक्चुअली कितने लोग फाइल करते हैं 24-25 लाख,
तो भैया ये फिगर बहुत बढ़ चुकी है पिछले 2-3 सालों में, मेरे ख्याल में कुछ 40 लाख क्रॉस कर चुकी है अब तक। तो आप देख सकते हैं कि भैया 1947 से लेके 2014-15 तक तकरीबन कोई 20 लाख के करीब इनकी स्ट्रेंथ थी जो फाइल कर रहे थे, और अगले 3-4 सालों में ये डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसके ऊपर बहुत हैवी चल रही हैं, और तकरीबन हर जो बंदा रिक्वायर्ड है रिटर्न फाइल करना आज नहीं तो कल, इन शॉर्टर रन जो है उसको रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न किसने फाइल करनी है? आपके चाचा ने भी करनी है, आपके मामे ने भी करनी है, आपके अब्बू ने भी करनी है, आपने भी करनी है। तो वहाँ क्लाइंट रेडिली अवेलेबल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी वो करनी होती है। अच्छा, तो इसका प्रैक्टिस का स्कोप भी अच्छा खासा मौजूद है। इसके लिए आपको कोई टीम की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होती। आप सोलोली करना चाहते हैं आप अच्छा खासा कर सकते हैं। आप बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो आप अपने साथ लोग भी रख कर उनको ट्रेन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको ऑफिस वगैरह बनाना पड़े या नहीं है। आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसका डिपार्टमेंट्स के अंदर इसकी, लेकिन अब इसके कुछ आगे जो टेंशन है इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे वो ये है कि यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बच्चे, बहुत शॉर्ट डेडलाइंस होती हैं हमारी, और दूसरे नंबर पे आपको काम बहुत एक्सटेंसिव होता है, लेट सेटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं फर्म्स के अंदर, इस डिपार्टमेंट में खासतौर पे ज़्यादा होती है। क्यों? बहुत ही एक शॉर्ट स्पैम के अंदर हमें, क्योंकि कोई भी कमिश्नर का नोटिस आया है, FBR का किसी को नोटिस आया, 15 दिन का टाइम होता है। अब वो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, उसने 15 दिन का नोटिस देना है, तो उस 15 दिन में आपने सारे काम को कंप्लीट करना होता है। तो ये अच्छा खासी हैक्टिक रूटीन होती है, नंबर वन। नंबर टू बेटा, इसमें ये होता है कि भैया आपको जो इसके फ़ायदे की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको जीना सिखा दिया जाता है। मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने कैसे निकलना है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपने काम कैसे निकालना है। बेसिकली प्रैक्टिकली मैटर क्या करता है कि आप काम कैसे निकालते हो। टैक्स के अंदर ये चीज़ नहीं मैटर करती कि भैया आप कितने अच्छे बोलते हो या आप कितने अच्छे नज़र आते हो, मैटर ये करता है कि भाई आप काम निकलवा लेते हो कि नहीं। अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने हैंडसम हो, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप उसका टैक्स बचवा लेते हो कि नहीं, आप उसका काम को निकलवा सकते हो कि नहीं। तो लिहाजा ये चीज़ आप सीखते हो, और उसके बाद फिर आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा खासा मिलता है। क्यों? यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो तकरीबन 70-80% आपने खुद परफॉर्म करना होता है। ऑडिट में ऐसा नहीं होता, क्यों? वहाँ पर टीम होती है, आपको एक एस्पेक्ट दिया जाता है, बाकी एस्पेक्ट सारे काम कर रहे होते हैं। जब तक कि आप सीनियर या सुपरवाइजर लेवल पर ना पहुँचे तो एज अ होल आप असाइनमेंट को देख रहे होते हो, नहीं तो आपको क्या होता है भाई कि एक किसी एक एस्पेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। जबकि टैक्स में आप एज अ ट्रेनी भी होते हैं ना, तो तब भी आपको 70-80% काम करना पड़ता है, उसकी वजह काम बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अलावा टीम जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपको इंडिविजुअली ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है चीज़ों को। मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो सारा काम आपके ऊपर डालते हैं। इसमें फिर ये होता है कि आपको अगली चीज़ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन में जाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, पता चलता है कि कैसे काम निकलवाना है। आप क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, आपकी PRship अच्छी खासी डेवलप होती है। हाँ, आपको रगड़ा अच्छा लगता है, आपको जलालत अच्छी फेस करनी पड़ती है, वो ऑडिट वाली अजाशियाँ इसमें नहीं होती, ठाठ बाठ नहीं होती इसमें। सारा सारा दिन आपको सड़कों की खाक छाननी पड़ती है, आपको FBR के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सुबह जाता है बंदा रात को आता है, एक काम भी नहीं निकलता। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं, और बेसिकली यही चीज़ जो है वो आपको दुनियादारी सिखाती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसका जॉब की तरफ, तो जॉब का भी इक्वली स्कोप मौजूद है, बल्कि इसका भी ज़्यादा है। बेसिकली अगर मैं उनके कंपेरिजन में बात करूँ तो इन शॉर्टर रन, अगर इसको छोटा सा कंसाइज करें तो भैया ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आपने लाइफ आसान करनी है शॉर्टर रन में, गो फॉर एन ऑडिट डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आपने अब भी थोड़ा सा टेंशन लेना है और आगे चल के आपका वर्क स्कोप है, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपना एक्सटेंसिव पीरियड जो है वो टैक्स एंड एडवाइजर में लगाएं। बहरहाल बाकी जो साथ एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं आपकी, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, ये चीज़ें, वो क्योंकि आपने बहरहाल थोड़ा सा टाइम ऑडिट में भी लगाना होता है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, ठीक हो गया। ऑडिट में रहते हुए आप टैक्स की चीज़ें बहुत कम सीखते हो, लेकिन टैक्स में रहते हुए बहरहाल आप ऑडिट की काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हो। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन था, बाकी आपके ऊपर है जिस डिपार्टमेंट को मर्जी ज्वाइन करें। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं किसी एक के गुनगा रहा हूँ या मैंने उसमें ज़्यादा काम किया हुआ है या उसमें, नहीं बेटा मैंने मिक्स काम किया हुआ है, मैंने ऑडिट में भी इतना ही टाइम लगाया जितना कि मैंने टैक्स में लगाया हुआ है। तो लिहाजा मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कौन से डिपार्टमेंट की मैंने फेवर करनी है। मैंने आपको दोनों का बता दिया कि भाई ऑडिट में क्या है, थोड़ी सी जिंदगी आसान है, आपको स्टडी का टाइम मिल सकता है, आप क्वालिफिकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, जबकि टैक्स में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन टैक्स में आर्टिकल के बाद आपको फायदे जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप अपना जो है वो डिसीजन लें, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे बेटा। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट